फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई आपके लिए खूबसूरत सा बेबी स्वेटर। हाफ स्वेटर है ये, हाफ स्लीव स्वेटर है और बेबी गर्ल के लिए है और ये 0 to 6 month बेबी के लिए, 6 महीने की बेबी के लिए है। बहुत प्यारा है, बहुत जल्दी बनता है और बहुत आसान है। इसमें कोई ज़्यादा कठिन मैंने डिज़ाइन भी डाली है, फ्रिल्स भी बहुत आसान है इसमें। और हाँ, आप इसे कैसे पहना सकते हैं, देखिए आप हाईनेक पहना के बच्चों को इसके ऊपर से ये हाफ स्वेटर पहना सकते हैं। बहुत प्यारा लगेगा। सेटिंग सेट इसका जो सेट है, कैप और सॉक्स बच्चे पहने हो और अंदर हाईनेक ब्लैक या कोई भी डार्क कलर का हाईनेक हो, सबके ऊपर ये आराम से चल जाएगा। और ये मैंने डार्क पिंक और वाइट कलर में बनाया, बहुत बहुत इजी है। और इस सच में भी देख सकते हैं आप इसका लुक कितना अच्छा, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का ये कार्डिगन है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए हम इस प्रिटी से बेबी स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 3 ply की ऊन ली है और जो सिलाई ली है वो 10 number की ली है। तो हम सिंगल धागे से पहले फंदा डालेंगे। ये जो स्वेटर है वो दोनों साइड से पीछे की तरफ से स्टार्ट होता है, मतलब ऊपर की साइड से, गले की साइड से हमें इसे स्टार्ट करना होता है। तो देखिए एक फंदे, एक धागे से हम फंदे डालेंगे इसमें, इस तरह से 50 फंदे हमें डालने हैं। चूँकि हम 6 महीने की बेबी के लिए बना रहे हैं तो हम 50 फंदे डालेंगे। आपको और बड़े बच्चों के लिए चाहिए तो आप 55, 60 ऐसे लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 50 फंदे पहले हम डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने 50 फंदे डाल लिए हैं। अब हमें 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए 4 सिलाइयाँ हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 तो 4 सिलाइयाँ आपको सिर्फ दोनों साइड से, राइट और रॉन्ग दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये हमारा पीठ का पोर्शन है, बैक पोर्शन है। तो अब यहाँ से देखिए ये हम गले से बना रहे हैं तो पहला फंदा तो आपको ऐसे स्किप करना है। 4 फंदे आपको ऐसे उल्टा बुनने हैं, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टा बुनना है। उन पीछे करेंगे, सारे फंदों को आपको सीधा बुन लेना है। सिर्फ यहाँ 5 फंदे पहले, देखिए यहाँ पे 5 फंदे पहले हम रुक जाएंगे, 5 फंदे पहले रुक जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली, लास्ट में मेरे पास 5 फंदे बचे हैं। तो ऊन हम आगे करेंगे और ये राइट साइड है तो 4 फंदे तो उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे हमने उल्टा बुने, ऊन पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा जो है इसे हमें सीधा बुनना है क्योंकि हमारी राइट साइड है, ठीक है। अब फिर रॉन्ग साइड से देखिए ये पहला फंदा उतार लेंगे हम और फिर सारे फंदों को आपको उल्टा बुनना है। यही 2 लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। जितना हमको आर्म होल चाहिए उतनी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, वहाँ तक हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। तो बना लेते हैं इस रो को। ये देखिए ये हमने 4 इंच बुनाई कर ली, यहाँ तक हमारा आर्म होल है, ये गले की साइड से, ये इतना आर्म होल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 फंदे हमने इधर लिए हैं, 5 फंदे हमने इधर लिए हैं और बीच में 40 फंदे हैं, ठीक है। तो 40 फंदे अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर वाला फंदा है, बीच वाले फंदे में आप एक मार्क लगा लेंगे। ये देखिए बीच में हमने मार्क लगा लिया, ठीक है। अब देखिए ये पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, ऊन आगे करेंगे, 4 फंदे में उल्टा बुनना, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हम ऊन पीछे करेंगे, ये जो पहला फंदा है इसमें हम 1 बनाएंगे, फिर एक बार हम इसी में उल्टा बुनेंगे और फिर हम एक बार सीधा, यानी कि ये हमने 1 फंदे में 3 फंदे बनाए, 2 फंदे बढ़ाए। तब सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे, यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये मार्कर तक हमने बुन लिया, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास 20 इधर थे 20 इधर थे, ठीक है। तो हम एक फंदा यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे और सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली जहाँ हमें सीधा बुनना है। एक फंदा हमारा जो सीधा वाला है ये है, इसमें पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे और फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर उन आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 1 फंदा सीधा। देखिए अब रॉन्ग साइड से,
ये फंदा उतारेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फिर पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे, यहाँ पे चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार बुनेंगे। ये जो नेक्स्ट फंदा है इसमें एक बार सीधा बुनेंगे, एक बार उल्टा और फिर एक बार सीधा। ठीक है, फिर इसके बाद सारे फंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे, इस तरह से यहाँ तक बुनते हुए आएंगे, यहाँ तक, ये जो जाली वाला फंदा है यहाँ तक, यहाँ तक हम सीधा बुनते हुए आएंगे। ये देखिए ये हमने जाली वाले फंदे तक बुनाई कर ली। अब देखिए ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधे, फिर ऊन आगे, ये पूरे सीधे वाले फंदे बुनेंगे, सिर्फ जो लास्ट वाला फंदा है यहाँ पे, यहाँ पे भी हम फिर दो फंदे बढ़ाएंगे। ये आर्म होल बढ़ा रहे हैं हम, तो यहाँ तक बनाते हुए पहले आते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, ये उल्टे के बाद वाला फंदा है, तो एक बार हम सीधा बुनेंगे, एक बार हम उल्टा बुनेंगे और फिर एक बार सीधा। ये हमने फिर यहाँ पे दो फंदे बढ़ाए, तो दो यहाँ बढ़ाए, दो यहाँ बढ़ाए, चार फंदे हो गए। दो फंदे हमें नेक्स्ट रो में और बढ़ाने, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो चार, चार फंदे उल्टे, ऊन पीछे, एक सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतारेंगे, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये रो हमने बना के कंप्लीट कर ली है। अब फिर से यहाँ पे फर्स्ट फंदा उतारेंगे, ऊन आगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदे उल्टे। ठीक, ऊन पीछे करेंगे। अभी नेक्स्ट में फिर हम एक बार सीधा, एक बार उल्टा और फिर एक बार सीधा। ये देखिए तो इससे क्या है, देखिए जो जो आर्म होल की शेप है देखिए आना शुरू हो गई है इस तरह से। ठीक है, अब हम फिर से सारे फंदों को, फिर से सारे फंदों को हम यहाँ से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ हमने जाली डाली है ना, ये सेंटर वाले फंदे तक, यहाँ तक पूरा बुनते हुए आएंगे, यहाँ तक, ये जो बीच वाला फंदा है यहीं तक बुनना है, तो बुन लेते हैं इसको। ये देखिए ये हम लास्ट तक आ गए, ये बीच वाला फंदा है, तो इसको हम बुन लेंगे। ठीक है, इसको बुन लेंगे, ऊन आगे करेंगे, फिर इस फंदे में हम एक जाली डालेंगे। तो अब आपको सिर्फ बीच वाले फंदे में जाली डालनी है। ठीक है, बीच में हमारे एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे, तो अब हम सारे फंदों को बुन लेंगे। लास्ट में यहाँ पे ये जो चार फंदे के पहले, ये जो सीधा वाला फंदा है इस पे हमें तीन बनाने, तो सारे फंदों को सीधा बना लेते हैं पहले। ये देखिए इस वाले फंदे में फिर हम बढ़ाएंगे, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर एक बार सीधा। ठीक है, फिर अब चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार उल्टे, राइट साइड है तो पहला फंदा सीधा। ठीक है, अब फिर हम इस पहले फंदे को उतार लेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रो बना कंप्लीट करते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ से अब आपको चार रो है जो रिपीट करनी है। ठीक है, पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन आगे, फिर हम चार फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें जाली नहीं डालनी, इस रो में हमें जाली नहीं डालनी, एक रो में जाली डालेंगे, एक में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको सारे फंदों को सीधा बुनना है। ठीक है, तो बुन लेते हैं, सारे फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं इस तरह से। तो बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बुन लिया, बीच में इस बार हमने जाली नहीं डाली। ठीक है, ये हमारी इतनी जाली है। ठीक है, पाँच जाली हुई है। फिर उन आगे चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर उन आगे एक फंदा सीधे। अब देखिए ये जो फंदा हमने यहाँ बढ़ाया था, यहाँ पे, अब हमें नहीं बढ़ाना, छः हमारे इधर बढ़ गए, छः हमारे इधर। ठीक है, और ये पांच इधर, यानी कि 12 और 5 17 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब देखिए सेकेंड रो में ये फंदा उतारेंगे, फिर सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसको हम उल्टा बुन के कम्प्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो, देखिए फर्स्ट रो बनाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फर्स्ट फंदा उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये जो बीच में हमारा जाली वाला फंदा है, देखिए ये यहाँ तक हम सीधा सीधा बुनते हुए आएंगे। ठीक है, तो सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया, ये बीच वाला फंदा है, फिर उन आगे एक फंदा सीधे, फिर उन आगे, अब सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे।
यहाँ तक बुनते हुए आएंगे। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली। फिर उन आगे के अब चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार उल्टे, उन पीछे एक फंदा सीधा। ये हमारी थर्ड रो बना के कंप्लीट हुई। अब फोर्थ रो जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ही बनानी है। ये एक फंदा उतारेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये चार लाइनें आपको बार बार रिपीट करनी है। एक रो में आप जाली डालेंगे और एक रो को बिना जाली के बुनेंगे। तो इसको हम ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, ये चौथी रो हमारी कंप्लीट हो गई। यही चार लाइनें आपको बार बार रिपीट करनी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक हमने 4 इंच बुना था, तो यहाँ कम से कम आपको 7 से 8 इंच बुनना है। ये आपके ऊपर है। नीचे हमें झालर भी बनानी है, तो लेंथ बच्चों के हिसाब से आप रख सकते हैं। किसी के बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, तो आप बच्चों की लेंथ के हिसाब से इसे रखें। तो मैं इसे बना के फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल मैंने 12 जालियाँ डाली है, ठीक है। 12 जालियाँ डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। अब हम जाली नहीं डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वाइट की रो है राइट साइड पे, हम सीधी तरफ, तो यहाँ पे हम पहला फंदा तो आपको उतार लेना है, ठीक है। पहला फंदा उतार के उन आगे करके हम सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहले तो हम ये चार फंदे बुनते थे, लेकिन अब हम इसको भी बुन लेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये लास्ट वाला फंदा हमें सीधा बुनना है। यहाँ से यहाँ तक हम सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट करी। लास्ट में एक फंदा है, तो चूंकि राइट साइड है तो हम ऊन को पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी इस रो में सारी लाइनें उल्टा उल्टा हो गई। और फिर रॉन्ग साइड से जिससे हम अभी तक बुनते हैं, पहला फंदा उतारेंगे, सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। इसको बुन लेंगे और सॉरी, इधर से जो लाइन है जैसे हमने इसको बुना है वैसे ही एक और लाइन बुन लेंगे। यानी कि ये ऐसे बुनेंगे और जैसे अभी हमने ये रो बुनी है उल्टा उल्टा वाली, वो रो ऐसे बुन लेंगे। तो दोनों रो बना के फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमने दो लाइन, इसकी फ्रंट साइड पे हमारी उल्टे उल्टे की गांठ आ गई है। यानी कि टोटल हमने 3 लाइन बनाई है। और अगर रॉन्ग साइड से रोगी ना, तो हमने 4 लाइन बना ली है, जिससे 2 धारियाँ हमारी उल्टे उल्टे की यहाँ पर आ गई है वाइट की। अब यही चीज़ आपको इस मैजेंटा कलर से करना है। 4 लाइन इससे बनाना है, 2 धारियाँ उल्टे उल्टे की इसकी सीधे तरफ आएगी, ठीक। फिर उसके बाद 4 लाइन इससे बनाना है, फिर 4 लाइन इससे। यानी कि आपको 2 धारियाँ मैजेंटा कलर की बना लेनी है। सेम जैसे ये बनाई है वैसे ही इसको बनाना है। तो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने मैजेंटा कलर की सेकेंड धारी बना ली है। और देखिए, इसमें 4 लाइन बनानी थी, तो हमने 3 लाइन बनाई। चौथी लाइन में हम डिज़ाइन डालेंगे, यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी डिज़ाइन बनेगी वो 5 के मल्टीपल में बनेगी, 5 का मल्टीपल प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंदा हमने उतारा, ऊन आगे किया, ये फंदा उल्टा बुना। अब यहाँ से हमारा वो जो डिज़ाइन का पैटर्न शुरू होता है। देखिए, एक फंदा हमने सीधा बुना, ऊन आगे किया, फिर अगला फंदा बुना, ठीक है। फिर ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ठीक है। फिर ऊन पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे एक फंदा और सीधा, ठीक। फिर ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे। एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, फिर एक फंदा सीधा और फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे देखिए, एक सीधा, एक फंदा आगे जाली और ये एक सीधा बुना है। लास्ट में 2 फंदे हैं, तो देखिए दोनों को राइट साइड है, तो एक उल्टा बुन लेंगे और ये लास्ट वाला जो फंदा है वो हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। अब रॉन्ग साइड से ये फंदा उतार लेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है, ठीक है। सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए, जाली वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लेना है। तो सारे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ले। फिर हम राइट साइड पे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ। एक फंदा उतारेंगे, ये जो उल्टे फंदे हैं ये हमारे उतने ही रहेंगे। जैसे एक फंदा उल्टा था, फिर उन पीछे करेंगे। अब देखिए, यहाँ एक फंदा बुन के हमने जाली डाला था, तो यहाँ 1 और ये 2 फंदे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। देखिए ये इस तरह, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 से 4 फंदे हो गए। फिर उन आगे करेंगे, 3 फंदे हमारे उल्टे थे, 3 ही बुनेंगे, 1। देखिए, 1 2 और ये
तीन तीन, फिर उन पीछे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे, ऊन आगे और ये वाला फंदा एक सीधे। देखिए ये हमारे चार फंदे हो गए। तो हर रो में, राइट साइड की हर रो में हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो ये एक जाली हो गई नीचे, ये दूसरी जाली हो गई, हम दो जाली और डालेंगे, यानी कि चार जाली डालेंगे। तो हमारे पास दो से छः फंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, और ये जो उल्टे हैं ये उल्टे ही रहेंगे। तो ये इसी तरह से बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, दो सीधे बुने, फिर ऊन आगे और फिर दो फंदे, एक फंदा सीधा, सॉरी दो नहीं, एक एक सीधा, फिर ऊन पीछे, तीन फंदे उल्टे। तो ऐसे ही बना लेंगे, एक दो तीन। तो बनाते हैं इसी तरह से, बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं, फिर दो फंदे हैं, तो ऊन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा और राइट साइड है तो लास्ट वाला फंदा सीधा, ठीक है। फिर ऊन पीछे, पीछे की साइड है हम रॉन्ग साइड पे, इसको उतार देंगे और सारे फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। सारे फंदों को बुन लेते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट रो राइट साइड से, फिर हम पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा और इस बार हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, ऊन आगे, पहला फंदा फिर सीधे। तो ये हमारे पांच फंदे हो गए। देखिए जाली तीन हो गई। अभी हम इसके बाद वाली रो में एक जाली और डालेंगे, फिर एक दो तीन, ठीक है। फिर उन पीछे, फिर देखिए एक दो तीन, तीन फंदे हमारे सीधे, फिर उन आगे और एक फंदा ये सीधा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हम फिर राइट साइड पर आ गए, ठीक है। तो देखिए पहला फंदा फिर हमको उतार लेना है ऐसे, फिर उन हम आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, ठीक है। फिर उन पीछे, ये हमारी फंदे बढ़ाने की लास्ट रो। देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे हमने सीधे बुने, फिर उन आगे एक और फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ठीक। ये हमने छः फंदे बुने, फिर उन आगे तीन फंदे उल्टे। तो इस बार ये रो कंप्लीट कर लेंगे और फिर रॉन्ग साइड से बुन लेंगे। फिर उसके बाद अब हमें फंदे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। चार लाइनें हम एज इट इज़ बुनेंगे और फिर उसे घटाएंगे। तो पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड की रो, फिर मैं बताती हूँ। ये हमने रो कंप्लीट कर ली और यहाँ पे हमारे पास चार जालियाँ होंगी, ठीक है। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है, चार सिलाइयाँ इस तरह से बनानी। देखिए एक फंदा बुना उतारा हमने, एक बुना उल्टा, ठीक है। अभी जो छः फंदे हैं इन छों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए एक तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, फिर उन आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, ठीक है। तीन उल्टे फिर छः सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे सीधे फिर उल्टे, एक दो तीन। तो फिर राइट साइड से ऐसे ही बनना है, इस पैटर्न को बनाना है। रॉन्ग साइड से आपको जैसे हम बुनते हैं वैसे बुनेंगे, फिर राइट साइड से यही रो रिपीट करेंगे, फंदे नहीं बढ़ाएंगे, सेम रो रिपीट करेंगे। तो तीन सिलाई हो जाएगी, तो तीन सिलाई रिपीट करेंगे, फोर्थ रो में हम फंदों को बंद करेंगे। तो तीनों सिलाइयाँ बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमने तीन लाइन कंप्लीट कर ली है, फोर्थ रो में हम इसे सारे फंदों को बंद करेंगे। तो बंद आप अपने हिसाब से करते हैं, लूज़ बंद करना है हमें, ठीक है। देखिए मैं कैसे बंद करती हूँ, दो फंदों का मैं पहले एक बनाती हूँ, फिर इसे वापस से सलाइम चढ़ाती हूँ, फिर दो फंदों का मैं एक बनाती हूँ, फिर इसे वापस सलाइम ले लेते हैं, फिर दो फंदों का एक बनाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा लूज़ बुनना है ताकि ये फ्रिल का जो है शेप ना बिगड़े, जो झालर है वो अच्छी बने, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे लूज़ बनाना है। देखिए मैं टाइट बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे बना के बंद कर लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसी तरह से इसको। ये देखिए ये हमने सारे फंदों को बंद कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धागा छोड़ा है क्योंकि ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन है ये हम पिंक कलर से सिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है अब आपको यहाँ से बनाना है, ठीक है। फंदे हमें यहाँ से उठाने हैं। तो हमने यहाँ पे 50 फंदे लिए थे,
तो देखिए शोल्डर की तरफ यहाँ पे हम 15 रखेंगे, यहाँ 15 रखेंगे और बीच में गले के लिए 20 फंदे, ठीक है। तो हमें यहाँ 15 फंदे उठाने हैं। तो देखिए ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड से हम फंदे उठाएंगे, तो हम यहाँ पे पिंक कलर से उठाएंगे। एक तरफ का पोर्शन हमारा पिंक कलर से होगा, एक तरफ का वाइट कलर से। इससे जो डिज़ाइनर लुक आएगा वो बहुत प्यारा आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है इस कॉर्नर पे ये ऊन जोड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से ऊन को हम ऐसे निकालेंगे, ये देखिए ऊन को निकालने के बाद यहाँ पे ऐसे गांठ लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें 15 फंदे उठाने हैं। तो देखिए 15 फंदे आप कैसे उठाएंगे, देखिए आपको अब चोटी दिखेगी। देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट लूप में हम एक फंदा उठा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड लूप में दूसरा फंदा उठा लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये तीसरा, देखिए ये थर्ड वाला है, इसके ऊपर ही हमको उठाना है, ठीक है। और ये ऊन आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है। अब देखिए इसमें उठाए, फिर इसके ऊपर, देखिए ये जो है ये इसके ऊपर यहाँ पे, इससे आपके जो फंदे हैं एक बराबर उठेंगे, ठीक है। ये आपको काउंट करते हुए रहना है, ठीक है। इस तरह से तो ऐसे हम 15 फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे 15 फंदे उठा लिए, ठीक है। तब इसको हम बैक साइड पर आ गए हैं। देखिए आपको कैसे बनानी है, देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे और फिर इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको बुन के हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए एक रो बन गई। अब सेकेंड रो कैसी है, देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार हमने उल्टे बुने, उन पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे, फिर उन आगे करेंगे, फिर चार फंदे हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार उल्टे बुने, उन पीछे करेंगे राइट साइड से, तो लास्ट वाला फंदा हमें सीधा बुनना है, देखिए, ठीक है। तो अब यही दो लाइन आपको बनानी है जब तक कि हमारे ये देखिए जो शोल्डर की लेंथ है, यहाँ तक की लेंथ ही हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। जितना हमने शोल्डर बनाया, जहाँ से हमने बढ़ाया है, देखिए इस रो से हमने बढ़ाया है, तो यहाँ पर कितनी रो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 36 लाइनें हमें बनानी। दो लाइनें हमें बना ली है, बाकी लाइनें हम यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया, टोटल यहाँ पे 18 लाइन हो गए हैं, 36 रो। अब इस रो में हमें फंदे बढ़ाने, ठीक है। तो अब देखिए पहला फंदा तो हम उतारेंगे, ठीक, फिर उन आगे करेंगे, चार फंदे आपको उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4, ये चार फंदे हमने उल्टे बुने, फिर उन पीछे करेंगे। देखिए इसमें हम 1 से 3 करेंगे, एक फिर उन आगे, फिर एक बार और सीधा, ये 1 का 3 हो गया। अब ये एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ठीक, ये एक फंदा हमने सीधा बुना। फिर इस फंदे में हमें जाली डालनी है, ऊन आगे करेंगे, इसमें एक जाली डाला, फिर ऊन आगे किया और एक फंदा ये सीधा बुना, ठीक है। फिर अब ये देखिए जो लास्ट वाला हमारा सीधा है, इसमें हम फिर 1 का 3 करेंगे, एक ऊन आगे, फिर एक और हो गया, फिर चार फंदे उल्टे, 1 2 3 4, चार उल्टे, ऊन पीछे, लास्ट वाला सीधा, ठीक है। फिर ऊन पीछे टर्न करेंगे, एक उतारेंगे और सारे फंदों का आपको उल्टा बुन लेना है। तो हम सारे फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस रो में देखिए यहाँ पे हमने 2 यहाँ बढ़ाए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 6 फंदे बढ़ाए। अब फिर हम देखिए इसको ऐसे उतारेंगे, फिर यहाँ चार फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, चार बुनेंगे ऊन पीछे, फिर इस फंदे में फिर वापस से 1 का 3 करेंगे। तो देखिए एक फंदा बुना, फिर ऊन आगे और 1 का 3। अब देखिए चूंकि हमने इस लाइन में जाली डाली थी, तो नेक्स्ट रो में हम जाली नहीं डालेंगे, सारे फंदों का आपको सीधा बुनना है।
फ्रेंड्स अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो आपको कज जो होल है वो इसी लाइन से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। मतलब ये जो हम बढ़ा लेंगे उसके बाद मैं इसमें इसकी सिलाई करूँगी और बटन नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें कज होल नहीं बनाऊंगी। मैं आपको जब ये हमारा कंप्लीट जाएगा बढ़ाना, देखिए ये पूरी रो हम बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा जो है, देखिए जो वाइट सीधा का ये लास्ट वाला फंदा है, इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। इसको हम एक का तीन करेंगे, देखिए एक ऊन आगे, तो इस रो में हमारे पास चार फंदे बढ़े। देखिए ये तो आर्म होल की साइड है और ये गले की साइड है, गले की साइड भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो ये गले की साइड है और ये आर्म होल की साइड है। जैसे हमने बैक पोर्शन बनाया था वैसे ही बनाएंगे, बस बैक पोर्शन में ऊपर हमने फ्लावर शेप में जाली डाली थी, इसमें नहीं डालेंगे। लास्ट वाला सीधा, फिर रॉन्ग साइड से इस फंदे को उतार के सारे फंदों को आपको उल्टा बुन लेना है। देखिए रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गए, फिर राइट साइड की तरफ आ गए हैं, तो राइट साइड में फिर देखिए इसको उतार लेंगे, ऊन आगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार, फिर ऊन पीछे, देखिए ऊन पीछे किया। अब ये जो फंदा है इसमें फिर हम एक से तीन करेंगे, एक ऊन आगे और फिर ये तीन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ हमने जाली डाली है, देखिए जाली जिसके आगे पीछे यहाँ यहाँ तक आपको इसे सीधा सीधा बुन लेना है, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः फंदे बुन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये हमने छः फंदे बुन लिए, ठीक है। अब देखिए इस फंदे के चारों तरफ दोनों तरफ हमने जाली डाली थी, ऊन आगे करेंगे, इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर उन आगे, अब छह फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छह, ये छह फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए जो लास्ट वाला सीधा फंदा है, देखिए सीधा है, इसमें फिर एक का तीन करेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड आर्म होल के जो हमने छह फंदे बढ़ाए थे वो हो गए और ये गले पे भी हमने छह फंदे बढ़ा लिए, ठीक है। अब यहाँ फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब सिर्फ जालियाँ डालनी हैं, तो उन आगे और ये इसको इस तरह से बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा, ठीक है। तो अब आपको ये जो कॉर्नर का ये नहीं बढ़ाना है, जैसे हमने ये पीछे का बनाया है, ठीक है, थोड़ा पीछे में ज़्यादा फंदे हैं, ये देखिए जैसे हमने यहाँ से बनाया है ना, ये बीच में जाली डालते जाएंगे, तो ये चूंकि बड़ा है और जब ये वाला पोर्शन आएगा, मैं इसको ऐसे करके बताती हूँ, देखिए ये, तो ये छोटा है क्योंकि दो पार्ट में है, तो सेम इसी तरह से आपको बनाना है, इसी तरह बनाना है। जहाँ पे ये वाइट की उल्टी धारियाँ हैं, इसमें पिंक की आएगी, मैजेंटा कलर की, फिर वाइट, फिर पिंक और फिर ये जो झालर है ये आपकी वाइट कलर से आ जाएगी, ठीक है। मैजेंटा वाइट इस कलर से बन जाएगी, ठीक है। तो इसको अब मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ, फिर दूसरी साइड में हम फंदे कैसे उठाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले इसको बना लेते हैं, ये देखिए ये हमने बना के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने बैक पोर्शन अच्छे से देखा तो इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो है ये इस तरह से रहेगा, ये जो वाइट वाली धारी है इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई होगी, ये देखिए ये हमारा जो है इसका ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अभी हमें सेकेंड पार्ट बनाना है, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, बस ये वाइट से बनेगा, ठीक है। ये पिंक से है तो वो वाइट से बनेगा, थोड़ा सा हमारा जो पैटर्न है वो चेंज होगा, सॉरी पैटर्न सेम रहेगा बस कलर चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम फंदे कैसे उठाएंगे, फंदे उठाने में आपको दिक्कत आ सकती है सिर्फ खाली, तो मैं वो आपको यहाँ बताती हूँ। बाकी जैसे आपने इसको बनाया है इस पोर्शन को वैसे इसको बना लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने हमने जो उल्टा बनाया है, उल्टे में जो नीचे की तरफ है, देखिए ये है, तो इसके पहले यहाँ पर एक फंदा है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच ये जो नीचे की तरफ पाँच के बाद देखिए छः छः सात आठ नौ दस दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह, तो पंद्रहवें खाने में हम सिलाई डाल के फंदा निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो है ये उनको आपको ऐसे कर लेना है, वाइट कलर से उठाएंगे फंदा, ऐसे करेंगे इसको हम, देखिए एक हो गया, फिर ये जो नीचे की तरफ गड्ढा है, देखिए ये जो नीचे की तरफ ऊन है, देखिए एक नीचे एक ऊपर, जब हम उल्टा बुनते हैं तो एक धागा नीचे आता है एक ऊपर, तो जो नीचे की तरफ है उसके अंदर से इस तरह से हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गांठ लगा लेते हैं इसमें निकालने से पहले, ठीक है। ये एक हो गया, फिर हो गया ये
दो, फिर ये तीन, फिर नेक्स्ट में देखिए धागे को ऐसे कर लेंगे, ये फोर, फोर के बाद ये हो गया हमारा फाइव, फाइव के बाद ये हो गया सिक्स। तो ऐसे ही हम यहाँ तक फंदे उठा लेंगे। ये देखिए हमने 14 फंदे उठाए हैं, और जो 15वां है देखिए एकदम स्टार्टिंग में एक है, यहाँ पर हम इसे उठाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से करके हम इसे यहाँ पे इस तरह से उठा लेंगे, ठीक। अब रॉन्ग साइड से ये वाली रो भी हमारी, जब हमने ये बुना था तो ये भी रॉन्ग साइड से स्टार्ट हुआ था, ये भी। तो यहाँ पे आपको पहला फंदा तो आपको उतार लेना है, फिर उसके बाद से इसको ऐसे करते जाएंगे, ये सारे फंदे आपको उल्टे बुन लेने हैं, ठीक। तो अब बस अब यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। सेम कुछ नहीं आपको करना है इसमें बनाना है। अगर आपको बटन लगाने हैं तो, वैसे इसका गला इतना बड़ा है कि आप बच्चों को पहना सकते हैं, अगर बटन लगाना है तो आप इस रो में बटन पट्टी कच पट्टी बना सकते हैं बीच में होल। और अगर आप छोटा बटन लगाएंगे तो देखिए इसी ऊन को ऐसे आप शिफ्ट करके इसमें बटन को कर सकते हैं इंसर्ट। ज़्यादा बड़ा आपको होल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें मोती टाँकूँगी और इसलिए मैंने इसमें बटन होल नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको बटन होल इसमें अलग से बना के बता दूँगी। तो अभी इस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट हमने बुन लिया है। अब देखिए हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हम इसे उलट लेंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ हम कर लेंगे पहले। तो देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, ये ऊपर से देखिए यहाँ से वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 इधर लेंगे और यहाँ पे भी ये 21, ये हमारा जो है ये इस रो में है, ये लेंगे इस यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी पहले हम यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे, और फिर सेकेंड साइड की भी हम इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से लेंगे। और यहाँ रो टू रो जहाँ से हमने बढ़ाना बंद किया है, बढ़ाना बंद किया यहाँ तक हमें सिलना है, यहाँ तक की हमें सिलाई। देखिए यहाँ जो बढ़ा हुआ है इंक्रीजिंग है वो ऊपर आएगा आर्म होल में, तो इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों साइड से इसकी सिलाई कर ली, अब हमें इसे सीधा कर लेना है, ठीक है। सीधा कर लेंगे और ये जो कि जो सेम पार्ट है वाइट वाला, देखिए सेम है ये आपका, इस तरह से आएगा, देखिए ये इस तरह से आएगा, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा इस तरह से, और ये जो पोर्शन है ये वाला इसके ऊपर जाएगा, ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, और अगर आप बटन लगाते हैं तो देखिए ये जो हमारी जो बुनाई है उल्टे उल्टे वाली, इसके बीच में आप छोटे बटन आराम से लगा सकते हैं, मगर इसका गला इतना बड़ा है कि आपको बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे इन दोनों को लेके इस तरह से ये शो बटन टांग देंगे, ठीक है। तो एक हम यहाँ टांग देंगे और एक बटन हम यहाँ टाँग देंगे, देखिए ये यहाँ टाँग देंगे, ठीक है। दो बटन हम यहाँ इसमें टाँग देंगे और अंदर से इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। देखिए कैसे यहाँ से हम यहाँ पे पहले हम इस जगह पे ये अपना जो धागा है इसको ऐसे लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने लगा लिया धागा, ठीक। अब इसको हम धागे को ऊपर निकाल लेंगे, ऊपर निकालने के बाद यहाँ पर एकदम छोटे से में इस तरह से एकदम छोटे छोटे में, और यहाँ पर इस जगह पे इसको ऐसे सही कर लेंगे बनाते वक्त, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये बटन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यहाँ करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ निकालने के बाद ये जो बटन है इसको हम, और देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया इस बटन में होल नहीं है, और मेरे पास इस तरह के दो ही बटन है तो इन दोनों में होल नहीं है, तो हम यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसी तरह के दो अलग बटन लिए हैं ये, तो इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है। इसको आपको टांग देना है इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे टांग देंगे, ठीक है।
देखिए ये हमने यहाँ पे वी बना दिया है, इसमें जो एक है छेद उसमें हम देखिए ये हमने वी बनाया है, इसमें हम वाइट से बनाएंगे। तो इसको आपको यहाँ पे कट कर देना है धागे को पहले, ठीक है। फिर भी धागे को कट कर देंगे, ठीक। ये देखिए अब एक बटन जो है ये यहाँ भी इसे भी यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, इसी तरह से वी बनाएंगे इसमें भी हम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में हम वाइट लगाएंगे। इसको बना लेते हैं पहले। ये देखिए इसमें ये मैंने वाइट कलर लगा लिया है, इसमें भी लगा लेंगे। देखिए ये जो एक होल बचा है इस एक होल को हम पहले ऐसे सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो इसको ऐसे सीधा आपको कर लेना है। और फिर देखिए जो एक होल बचा है इसमें हम इस तरह से अपनी नीडल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नीडल को आपको ऐसे निकाल लेना है। और देखिए ये जो पिंक दो हमने एक में बनाया है इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सरका के ऐसे नीचे की तरफ इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और निकाल के यहाँ गांठ लगा के ऊन को कट कर देंगे। ये देखिए इसे हमने सिल लिया है। अब हमें देखिए इसके अंदर का जो पार्ट है ये खुला रहेगा, इसको हम उल्टा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ये जो अंदर वाला पार्ट है ये खुला है, तो इसे आपको सिलने के लिए क्या करना है, देखिए हम पिंक कलर का ही धागा लेंगे क्योंकि पिंक कलर ऊपर है, ठीक। तो इसको हम पिंक कलर के धागे से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से इसको ऐसे रखा है, ये आपको ऐसे लेना है। देखिए ये एक धागा उठाना है ऐसे, पहले तो हम इसमें इस तरह से गांठ लगाएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से, देखिए पीछे से ही उठाना है, ज़्यादा इसको आपको टाइट नहीं करना है इस तरह से। देखिए इस इसको हम ऐसे सिलकर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर इस तरह से लेके गांठ लगा देंगे। इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। अब देखिए ये तो लुक हो गया, ठीक है। देखिए प्यारा सा ये प्रिटी स्वेटर का जो है ये आ गया, लेकिन जब इसे पहनाएंगे थोड़ा ढीला ढीला लगेगा, तो इसके लिए मैंने डोरी बनाई है, ठीक है। मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए ये हमारा जो प्रिटी स्वेटर है ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर की डोरी बनाई है। तो देखिए यहाँ से दो, एक दो तीन चार पाँच, पांचवें जाली को ऐसे उठाएंगे, इसमें से हम इसको पास करेंगे, ठीक। और फिर बैक साइड में देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये पाँचवीं जाली को हम ऐसे ऊपर उठाएंगे और इसमें से इसको निकालेंगे। देखिए पांचवी जाली में से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद फिर इसे हम आगे लाएंगे यहाँ ऊपर, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच पांचवी जाली में हम इसे इस तरह से पास कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए पहनने पे इसका लुक बहुत प्रीटी आएगा। आप इसमें पम-पम भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आएगा। स्वेटर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।